हेलो फाइनली वो घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है जब हमें लोकी का सीजन 2 देखने को मिलेगा, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो एक एक करके हर एक टॉपिक को भाई कवर कर लेते हैं। जहाँ सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करते हैं जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार भाई लोकी सीजन 2 रिलीज कब हो रहा है यार। तो यूएस में उसे 5 अक्टूबर को स्पेशल उन अंग्रेजों के लिए रिलीज किया जा रहा है, वो भी शाम के करीब 5-6 बजे के आसपास। जिसकी वजह से हमारे यहाँ वही एपिसोड इस बार बिल्कुल अलग टाइम पे देखने को मिलेगा, 6 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे। भाई मैं तो नहीं उठने गए इतनी सुबह जल्दी, आराम से दोपहर को एपिसोड एंजॉय करके शाम तक ब्रेक डाउन करके डाल दूंगा। खैर पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन में भी हमें टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे हर फ्राइडे सुबह 6:30 पे। और अभी तक इसके सीजन 1 को करीब भाई पूरे 2 साल हो चुके हैं और मेरे को नहीं लगता कि मेरी तरह आपको भी भाई पूरी तरीके से इसकी स्टोरी याद होगी। तो बस आज की वीडियो में वही सीजन 1 का एक छोटा सा रीकैप देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल एक शॉर्ट में। मगर उससे पहले मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मोबाइल अर्ज यूट्यूब चैनल, और भाई आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने लोकी सीजन 1 का एक शॉर्ट सा रीकैप। तो बस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना और शुरू में ही वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना। तो अगर शुरू से देखा जाए तो हमें सीजन 1 में ये देखने को मिला था कि लोकी इन्फिनिटी वॉर में मरने के बाद अब अवेंजर्स एंडगेम में जो पास वाला लोकी होता है वो स्पेस ट्रेन लेकर अपनी उस टाइमलाइन से भी भाग निकलता है। तो वहाँ उसे कुछ अजीब से लोग पकड़ने आ जाते हैं जो कि खुद को TVA यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के एजेंट्स कहलाते हैं, जो कि हमें आगे चल के ये पता लगता है कि TVA एक मल्टीवर्सल एजेंसी है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करने का काम करती है। एंड अगर कोई भी बाय चांस उस टाइमलाइन को ब्रेक कर देता है तो वो एक वेरिएंट कहलाता है, जिससे ऐसा करने से मल्टीपल टाइमलाइंस बनने लग जाती हैं और मल्टीवर्स खुलने के आसार बढ़ जाते हैं। जहाँ TVA में एंट्री मारते ही लोकी की कुछ नए नए लोगों के साथ मुलाकात होती है। पहली जज रेवना रेंसलेयर जो कि पूरे TVA को चलाने का काम करती है, देन हंटर B-15 जो कि TVA की बेस्ट एजेंट कहलाती है, देन मोबियस जो कि आगे चल के लोकी का बेस्टेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जहाँ लोकी इन सब पे विश्वास ना करते हुए वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है बट मोबियस उसे इजीली पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे लोकी को आगे के सारे इवेंट्स दिखाता है जो कि आगे चलकर लोकी उन्हें फेस करने वाला होता है, मतलब अवेंजर्स 1 से लेकर उसकी डेथ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक। जिसके बाद थोड़ा लोकी इमोशनल होकर महसूस करने लग जाता है कि उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस कर दिया है, जहाँ टेक्निकली अब ये वही लोकी बन चुका होता है जिसको अभी तक हम पूरे MCU में देखते आ रहे थे। लेकिन यही कहानी में आता है ट्विस्ट और लोकी को बताया जाता है कि बेसिकली ऐसा कोई वेरिएंट है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन को पूरी तरह से डिस्टर्ब करता जा रहा है और जिसको ये लोग बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे, और अब वो कौन है क्या है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन वही लोकी उसे आराम से ढूंढ निकालता है और बताता है कि ये जो भी बंदा है वो अपने आप को एपोकलिप्स के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी टाइमलाइन में एपोकलिप्स आ भी जाएगी तो वो टाइमलाइन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएगी, और इस वजह से आप उस टाइमलाइन में जितनी मर्जी छेड़छाड़ी कर लो वो TVA के मॉनिटर्स पे कभी शो ही नहीं करेगा। जहाँ इसके बाद लोकी और मोबियस पहुंच जाते हैं 2050 के रॉक्सॉन के एक शॉपिंग मॉल में, जहाँ इनकी मुलाकात होती है उस बंदे से, या बोलूं बंदी से, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपनी लोकी की एक नई वेरिएंट है जिसका नाम है सिल्वी। और जहाँ सिल्वी जितने भी TVA के चार्जेस होते हैं जिससे TVA टाइमलाइंस को प्रून करने के यूज करती है, उनको वो अलग अलग टाइमलाइंस में भेज देती है, जिसके कारण मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट होने लग जाती है, जहाँ से सिल्वी वहाँ फरार हो जाती है और लोकी उसके पीछे पीछे फरार हो जाता है, जहाँ से ये दोनों पहुंच जाते हैं लेवेंटिस 1 में, जहाँ से इनकी कुछ फालतू की लव स्टोरी चलते चलते वापस से ये लोग पहुंच जाते हैं TVA में, जहाँ इसके बाद इनकी मुलाकात होती है टाइम कीपर के साथ। बट जब तक सिल्वी और लोकी वहाँ पहुँचते हैं तो TVA में बहुत सी चीजें पहले ही चेंज हो जाती है। जैसे सिल्वी B-15 को पहले ही बता चुकी होती है कि मोबियस या फिर तुम या जितने भी लोग TVA में काम करते हैं वो लोग एक्चुअल में किसी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करने वाले वेरिएंट्स थे, जिनकी अपनी खुद की भी लाइफ थी, बट उन्हें यहाँ लाकर उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया और उनसे उनकी लाइफ छीन ली गई। एंड देन यहाँ पर लोकी और सिल्वी को TVA के एजेंट्स जितने भी लाते हैं वो उनसे फाइट करने लगते हैं, जहाँ इसी सब में रेंसलेयर भी आकर अपने लोकी को प्रूम कर देती है। लेकिन उससे पहले ही सिल्वी वहाँ एक बहुत बड़ा काम ही खत्म कर डालती है, अपने टाइम कीपर्स की गर्दन उड़ा देना। और जहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों टाइम कीपर ही एक्चुअल में रोबोट्स होते हैं, जिसका मतलब बहुत सीधा होता है कि इनके पीछे का मेन आदमी अभी भी कोई और ही है। खैर आगे चलकर सिल्वी अपने आप को भी प्रून कर लेती है, क्योंकि उसे आगे चलकर रियलाइज होता है कि जितने भी बंदे प्रून होते जा रहे हैं वो किसी एक वॉइड नाम के अल्टरनेट यूनिवर्स में जाते जा रहे हैं, जहाँ पर बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जिनको लिटरली मार्वल की टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमें इसके एपिसोड में काफी सारे ईस्टर एग्स भी देखने को मिले थे।
जहाँ लोकी के वहाँ पहुँचते ही हमें सबसे पहले उसकी पर्सपेक्टिव से हमें काफी सारी चीजें दिखाई जाती है, जिसको खुद के अपने अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। जहाँ इस पूरे वॉइड में एक सबसे ज्यादा खतरनाक चीज एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है अलायर, जो पूरे के पूरे वॉइड का एक मॉन्स्टर है, जो कि इस पूरी जगह को गार्ड करता है। देन लोकी, सिल्वी और मोबियस यहाँ डिसाइड करते हैं कि इन्हें किसी तरह उस अलायत को पार करना होगा उससे मिलने के लिए, जो इस सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन फिर यहाँ लोकी सिल्वी मिलकर पता नहीं कैसे बट उस अलायत को इल्यूजनाइज करके उसे खत्म करके आगे उस सीटरेल एंड ऑफ द नाम के कैसल में पहुँच जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात होती है ही हू रिमेन्स से, जो कि एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि कैंग द कंकरर का ही एक लौता अच्छा वेरिएंट होता है, जिसके मुताबिक इसने आज तक सेक्रेट टाइमलाइन को अब तक मेंटेन करके रखा है। मतलब आज तक एमसीयू में जितने भी हमें सिनेरियोस दिखाए गए हैं उनके पीछे का कारण यही बंदा है। लेकिन इसी के साथ ही साथ ये उन लोगों से ये भी कहता है कि अब ये सारी चीजें करते करते बोर हो चुका है और अब वो यहाँ से चैन से जाना चाहता है, और इसीलिए सिल्वी चाहे तो उसे मार भी सकती है, बट अगर सिल्वी ऐसा करती है तो उसे इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि उसके जितने भी वेरिएंट्स थे वो सबके सब वापस यहाँ आएंगे और एक बार फिर से मल्टीवर्स वॉर चालू हो जाएगी। लेकिन जब भी सिल्वी इन सारी बातों को परे रखकर ही रिमेन्स में खंजर घुसाकर उसे मार डालती है, और उसी मोमेंट से सेक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग ब्रांचेस बनती हुई दिखाई जाती है, जहाँ सिल्वी पहले ही लोकी को धोखे से वापस से टीवी में भेज डालती है, जहाँ उसे बाद में खुद भी रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसने अब खुद की फाड़ ली है। देन लोकी जब वहाँ टीवी में पहुँचता है तो उसे वहाँ पहुँचते ही शक होने लग जाता है कि आप कुछ तो गड़बड़ है, जहाँ मोबियस उसे पहचानता नहीं, कोई भी उसे टीवी का एजेंट पहचानता नहीं। और जब वो हॉल के सेंटर में पहुँचता है जहाँ पर टाइमकीपर्स की तीन बड़ी बड़ी स्टैचूज बनी हुई थी, वहाँ से वो स्टैचूज भी गायब हो चुकी होती है, जिसकी जगह अब सिर्फ एक सिंगल करेक्टर कैंग द कंकरर का एक स्टैचू बन चुका होता है। यही पर लोकी सीजन 1 की भी पूरी स्टोरी खत्म होती है, जहाँ इसी के साथ भाई ये पूरा रिकैप पूरे शॉर्ट में फिनिश होता है, वो भी बिना किसी उसके पॉइंट्स को छोड़े। तो फाइनली ये था लोकी सीजन 1 का उसका एक पूरा रिकैप। तो अगर स्टोरी समझ आ गई हो और वीडियो भी अच्छी लग गई हो तो यार क्या वेट कर रहे हो, वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना यार। और उसी के साथ साथ यार मार्वल नर्ड्स पे नए आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड उसके बाद जो उसके साइड में बेल आइकन का बटन शो होगा उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए आप मेरी ये लोकी सीजन 2 के ब्रेकडाउन पे वीडियो देख लो।